सारे गमा पदनिसा जो है वो तो हम सभी जानते हैं, वहाँ से अपने सीखने की शुरुआत भी होती है, लेकिन इनको अगर ऐसे सीधे सीधे बजाएं तो हमेशा मन में ये डाउट रहता है कि जो बज रहा है वो सुर में है कि नहीं है। क्योंकि बांसुरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ ये तीन बंद करने से सा बजे और ये खोलने से रे और फिर गा और मा बजे, ये नहीं होता है। और सुर को लगाना पड़ता है, इसका मतलब है कि मन में सुर की इमेज जो है वो होनी जरूरी होती है। और वो जो इमेज है स्वर की, जिसको हमें सोच करके देख करके सुर लगाना है, वो हमें तानपुरे देते रहते हैं। तो तानपुरे में से एक एक तानपुरे में से षड्ज सा और प छोड़ के काफी सारे हार्मोनिक्स निकल रहे हैं, उनको सुनना सीखना चाहिए। और फिर उन्हीं में से हमें ग मिलता है, हमें मा मिलता है, हमें पा मिलता है, रे मिलता है। एक बार ये एक एक करके सुर समझ लें और उसके बाद अगर हम बजाए के सारे ग मा पा थोड़ा अलग सीक्वेंस में उसका रियाज करें, साप साम साग सारे, अब ये सारे सही बजे हैं क्योंकि हमने उनमें जो संवाद है प में और सा में, म और सा में, उनको समझ लिया है और वो अपनी अपनी जगह सही पहुंच जाते हैं। अब मेरा आपके लिए जो एक्सरसाइज है, जो आप एक चैलेंज समझिए ये समझने के लिए कि हम कितने सुर में हैं, उसको ये करना है। साप साम साग सारे सा, इनको पहले गाइए भी, मन में गाइए, खुल के गाइए, उसके बाद बांसुरी में इसे बजाइए, जितना चाहे प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद में रिकॉर्ड क्या करना है। कम से कम 5 बार लगातार सही बजाइए, उसको रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए।